मन की पांच अवस्थाएं हैं, कौन कौन? एक अवस्था है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और पांचवी है निरुद्ध। कितनी हो गई? फिर से गिनो। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये पांच गतियां हैं मन की, पांच अवस्थाएं हैं मन की। जिस समय हमारा मन चंचल रहता है, जिस समय हमारा मन बहुत चंचल रहता है, उस समय की अवस्था को कहते हैं क्षिप्त। जिस समय हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों के अधीन हो जाता है, उस समय हमारा मन होता है मूढ़। जिस समय मन चंचल होता है उस समय क्षिप्त, और जिस समय विषय से युक्त हो जाता है उस समय विकार युक्त जब मन हो जाता है तो मूढ़। और तीसरी स्थिति है विक्षिप्त की। चंचल होने के समय बीच बीच में कभी किसी एक बात पर मन स्थिर हो गया और थोड़ी देर तक रहा, फिर वहां से हट गया, इस अवस्था को कहते विक्षिप्त, पागल। पागल क्या करते हैं? पागल को धुन सवार हो जाती है, देखा होगा, कोई कोई धुन सवार हो जाती पागलों को। वो वही धुन सवार होगी तो वैसे तो इधर उधर चंचल मन रहेगा, और जब थोड़े मन शांत होगा तो जो धुन सवार है उसी के अनुसार वो कुछ गालियां बकने लग जाएंगे या पत्थर फेंकने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। ये है विक्षिप्त, पागलपन की स्थिति, मन का विक्षिप्त हो जाना। और किसी भी एक वस्तु पर, तत्व पर, विषय पर मन एकाग्र मने एक जगह स्थित हो जाना, एकत्रित हो जाना, इसका नाम है मन की अवस्था एकाग्रावस्था। अध्ययन के समय हमें मन अपना एकाग्र करना पड़ता है, यदि हम एकाग्र नहीं करेंगे तो रात भर पुस्तक लेकर आंख फोड़ते रहो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और एकाग्र होकर के थोड़ा भी आप पढ़ लो तो आपको बढ़िया हो जाएगा। तो ये एकाग्र अवस्था जो है मन की श्रेष्ठ अवस्था है, भजन में, साधन में, पठन में, अध्ययन में एकाग्र अवस्था चाहिए। और मन की जो सर्वोच्च अवस्था है, मन की जो सबसे उच्च अवस्था है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, उस अवस्था का नाम है निरुद्धावस्था। ये निरुद्धावस्था वाला मन सबसे श्रेष्ठ है। ये निरुद्धावस्था वाला जो मन है ना, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध, इसका नाम है योग। हमारा मन जब एकदम शांत हो जाता है, डूब जाता है, गहरे में उतर जाता है, तो वो अवस्था है निरुद्ध अवस्था। और इसी अवस्था की जो सिद्धावस्था है उसी का नाम है समाधि। यहां श्री तुलसीदास जी महाराज किस मन को कह रहे हैं? क्षिप्त को कह रहे हैं कि विक्षिप्त को कह रहे हैं कि एकाग्र को कह रहे हैं कि निरुद्ध को कह रहे हैं? किस मन को कह रहे हैं? मूढ़ मन। किस मन को संबोधित कर रहे हैं? मूढ़ मन। मूढ़ मन की परिभाषा भी बताई थी, क्या है मूढ़ मन की परिभाषा? विषयोन्मुख मन,
कामक क्रोधादि विकारों से भरा हुआ जो मन है वो मूढ़ मन है। विकार युक्त मन को मूढ़ मन कहते हैं। षड विकारों से भरा हुआ जो मन है वो मूढ़ मन है। इसलिए इस मूढ़ मन को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि इस मूढ़ मन को निर्विकार बनाना चाहते हैं। सदा राम जपु मूढ़ मन बार बार।